और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। तो स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। तो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना हल्ला बोल में आज सवाल इसी पर होगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं की मिली जुली प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। कई युवा खुलकर इस योजना का स्वागत कर रहे हैं तो कई युवा को ये योजना पसंद नहीं आई। अग्निपथ योजना के विरोध में गुरुवार सुबह सैकड़ों युवा सड़क पर उतर आए। गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी समेत कई जगहों पर युवा योजना को वापस लेने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 4 साल की सेवा के बाद, आपको बता दें कि 75% अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अन्य नौकरियों में भी उन्हें प्राथमिकता देने की योजना बनेगी। तो आज हल्ला बोल में अग्निपथ योजना पर अपनी राय आप दे सकते हैं। सरकार की इस योजना को आप कैसे देखते हैं? टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं। बिना किसी देरी के फोन उठाएं और अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करें। तो हल्ला बोल में आज का विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। हालांकि जगह जगह विरोध प्रदर्शन अग्निपथ योजना को लेकर किया जा रहा है, लेकिन इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप फोन कर अपनी राय रख सकते हैं और बता सकते हैं कि आप इस अग्निवीरों की योजना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। तो सवाल भी हम लगातार बता रहे हैं आपको, अग्निपथ योजना में आपका क्या कुछ विचार है, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। योजना से सेना में भर्ती होने की जगेगी आस, क्या आप ये सोचते हैं, उस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। अग्निपथ योजना पर क्यों हो रहा है बवाल, इस पर आपको क्या लगता है कि क्या बवाल होना जरूरी है, आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। क्या युवाओं को देश की सेवा का मौका मिलेगा? तो बड़ी जानकारी के साथ आपको ये बता दें कि आप अपनी राय रख सकते हैं, कॉल आप कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर। तो बिना किसी देरी के अपना फोन उठाएं, फोन करें और अपनी राय रखें, क्योंकि जगह जगह जब से अग्निपथ योजना की घोषणा हुई है तब से ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि विरोध प्रदर्शन करना जरूरी है, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। अग्निपथ योजना के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या ये अग्निपथ योजना सही है, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। और अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, इसको लेकर आप अपनी राय रख सकते हैं। तो हल्ला बोल में हमारा ये खास कार्यक्रम और इस पर आज का टॉपिक भी बेहद खास है, आप इस पर राय रख सकते हैं अपनी। आपको बता दें अग्निपथ योजना उन युवाओं के लिए बनाई गई है, 17.5 से लेकर 21 साल तक के युवा, 4 साल तक के लिए तीनों ही सेनाओं में जा सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। और इस दौरान 4 साल के बाद 25% यानी कि 25% ऐसे युवा जिनको वहीं पर स्थायी तौर पर रख लिया जाएगा, लेकिन बाकी के 75% तो चलिए धर्मपाल भी हमारे साथ, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। धर्मपाल अपनी राय रखिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। ये तो राजनीति लोग भड़का रहे हैं इन लोगों को, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं इनको भी तुम भर्ती हो, ये तो राजनीति लोग इनको भड़का रहे हैं बच्चों को। अभी तो योजना का प्रारंभ ही किया उसने, ये राजनीति लोग भड़का रहे हैं इनको और कुछ नहीं है ये। तो आप क्या अपनी राय रखना चाहते हैं, आपको क्या लगता है अग्निपथ जो योजना है वो सही है? हाँ सही है, सही है ये तो। हाँ ये तो बच्चों को एडवांस लिए, राजनीति लोग भड़का रहे हैं इनको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मपाल जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक साझा करने के लिए। शमशेर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक कॉलर। शमशेर अपनी राय रखिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? नमस्कार। नमस्कार सर। ये अग्निपथ योजना है ये बहुत बढ़िया योजना है जी। एक लंबी सर्विस के दौरान एक आदमी पर ज्यादा पैसा हो जाता है, 4 साल में 12 लाख मिलेंगे, हर आदमी डिसिप्लिन होगा और वो ट्रेनिंग करेगा, उसकी यहाँ पुलिस में और महकमों में आने के बाद बहुत जगह स्कोप है जी। ये विपक्ष का भी ये काम ये है, मोदी चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले उसकी बुराई करनी है इन्होंने, तो कभी ईडी के रूप में कभी कोई भी योजना बढ़ाओ ताकि ये पॉपुलर न हो जाए, इसका राजनीतिक फायदा न मिल जाए, ये तो राजनीतिक विरोध है। ये बहुत बढ़िया योजना है जी।
चलिए बहुत शुक्रिया। तो बलदेव भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। बलदेव अपनी राय रखिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हेलो, जी आवाज आ रही है आपको? टॉपिक क्या है आज का? अग्निपथ योजना। आपको बता दें कि जब सरकार, जब से ये योजना की घोषणा हुई है तब से ही जो युवा है, कुछ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं अग्निपथ योजना पर, आप अपना विचार रखें। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, ये बिल्कुल गलत योजना है जी। ये जो इन्होंने रेजिमेंट खत्म करने की एक किस्म से जो चली है, अगर रेजिमेंट में किसी का कौम का वो नहीं होगा तो वो कभी भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। लड़ाई हमेशा कौम के नारे पर जीती जाती है, भाईचारे के नारे के ऊपर जीती जाती है। जैसे जाट कौम का नारा है, जाट बलवान जय भगवान, ये नारा लगाते हैं तो उन जो, क्योंकि उसमें सभी जाट होते हैं, उनका एकदम खून खोल उठता है, वो आगे वाले को पछाड़ देते हैं। इसी तरह राजपूत का नारा है, इसी तरह सिख कौम का नारा है, जो निहाल सत श्री अकाल, तो इन नारों से उनकी वो भी है। अगर इसमें एक दूसरी जात के कर दिए जाएंगे तो उन नारों का अर्थ नहीं होगा और उनमें वो जोश नहीं होगा कुर्बानी का। तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं मोदी साहब, और जब तक ये मार्शल कौम का अलग अलग वो नहीं होगा इतने तक कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज ये है, 4 साल बाद में वो बच्चे जाएंगे कहाँ, उनकी जो मेन उस टाइम होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर प्रदीप भी जुड़ गए हैं। प्रदीप अपनी राय रखिए। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गलत है। देश के युवा है ना, वो बेरोजगार तो है ही, और सेना की ट्रेनिंग लेने के बाद वो और भी देश के लिए खतरा बन सकते हैं आगे जी। तो इसमें लेकिन सरकार ये कह रही है कि आने वाले समय में सरकारी जो भी नौकरियां होंगी उनको प्राथमिकता दी जाएगी, इस बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? मैम जो अब रिटायर हो रहे हैं उनको तो प्राथमिकता नहीं मिलती, तो बाद में कहां से मिलेगी? बाद में तो संख्या भी ज्यादा हो गई, अब तो संख्या भी कम है। चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, अपनी राय रखी। हेलो जी ईश्वर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गया है। ईश्वर अपनी राय रखिए, आप क्या कुछ सोचते हैं इस योजना के बारे में, अग्निपथ योजना के बारे में आपका विचार? मैडम जो ये योजना है ये सरासर गलत है, इसमें जो युवाओं का जो भविष्य है वो खराब किया जा रहा है। जो युवा बच्चे हैं वो एक सरकारी नौकरी की तलाश में पढ़ाई करते हैं, फिर प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में फर्क रह गया। क्या आपको लगता है कि अग्निपथ योजना वो या तो पूरी ही गलत है या फिर उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए? मैडम ये तो पूरी गलत है मैडम, जो बच्चा तैयारी कर रहा है एयरफोर्स नेवी आर्मी की, वो कल क्या हमारे लिए लड़ाई करेगा? वो 3-4 साल के लिए 3-4 साल नौकरी करके बाद में कर देगा, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो लड़ाई नहीं लड़ूंगा मैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं इसी के साथ एक संतोष भी हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं। संतोष अपनी राय रखिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैडम जी ये बार बार ये विरोध विरोधी कर रहे हैं, विरोधी ये मेरे भाई जो बोल रहे हैं ये गलत है, ये सरासर गलत है, ये 4 साल की बिल्कुल गलत है, बच्चों के फिक्र में अग्नि भड़क रही है। हाँ ये बिल्कुल गलत है जी जी। तो ये बच्चे बुरे रास्ते जा सकते हैं कल जी। मैं अनपढ़ हूँ लेकिन मुझे इतना पता है, बिल्कुल गलत है। मोदी जी के ये अच्छे दिन ये है क्या मोदी जी के? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ एक और कॉलर संकेत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत अपनी राय रखिए। मतलब एनसीसी नॉर्मल ट्रेनिंग करता है, उसके बाद आगे वो मेहनत करता है, 2 साल उसको भर्ती की रेस में लगती है, वो बहुत ज्यादा है ना इंडल्ज होता है इस चीज के अंदर, और उसके बाद अगर जाकर के अगर उसको जॉब के लिए अगर ऐसे कर दे 4 साल के लिए, विद इन 4 इयर्स में अगर वो कुछ करे पढ़ाई का, मतलब वो जॉब भी लग जाए, उसके बाद भी कोई फिक्सेशन नहीं है ना मैम। आगे जा करके डिग्री कर रहा है, डिग्री मतलब बोल रहे हैं अभी आज जो न्यूज आया कि इग्नू सर्टिफिकेट देगा, मैम इग्नू की सर्टिफिकेट भी कहीं कंसिडर नहीं होती है, आगे पैरामिलिट्री के अंदर देंगे। मैम एक बंदा अपनी फैमिली को वो करने के लिए आगे वो करता है कि भैया मैं जॉब लग जाऊंगा तो अपनी फैमिली को पीछे सपोर्ट कर पाऊंगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि भैया 4 साल जॉब करेगा, उसके बाद कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैम उसके बाद कुछ लाइफ एकदम वो बर्डन से ऐसा हो गया ना पूरा का पूरा।
संकेत बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। इसी के साथ राम भी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। राम अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 8 साल से युवा रो रहा है, अभी तक सुनाई हुई थी। जैसे छोटा बच्चा रोता है ना, उसको टॉफी पकड़ा दी जाती है, उसी तरह टॉफी पकड़ाने का काम किया जाता है। अब नाम रखा अग्निपथ, 4 साल के बाद आप अग्निपथ वीर सैनिक कहलाए जाएंगे। ये श्रेय ले रहा है सिर्फ जनता से, कोई मतलब नहीं है। जनता चाहती है कि मेरा नाम हो, और ये नाम कमाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आपने जीपी सिंह का नाम सुना होगा जी। ऐसे ही बच्चे आए थे रोडों पे, और वो हालत हो गई। आज जीपी सिंह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। और मैंने आपको पहले दिन से आपके चैनल के माध्यम से कह रखा है, ये पेट है गुटी मानता है, ये मंदिर मस्जिद और शिवलिंग वगैरह कम दिनों के मेहमान है, तल्ला कम दिनों के मेहमान है। ये तो रोजगार भी होगा, ये जिंदगी भर से युगो युगो से रहा है रहेगा। अब रही बात, ये कहते हैं कि राजनीति, भाई एक बात बताओ, विपक्ष किस लिए होता है? खाना हर बात पे आप विपक्ष पे डाल देते, गलत काम खुद कर रहे हैं, और गलत काम जब करते हैं तो राजनीति विपक्ष के ऊपर डालते हो, ये सरासर गलत है। दूसरा, मैं आपको धर्म के साथ जोड़ना चाहता हूँ, सुनाओ मेरी बात में एक मिनट। जब तो तीर हरण किया था द्रौपदी का, और बड़े बड़े योद्धा तो थे, अपना भीष्म पितामह द्रोणाचार्य उनके साथी बने थे, और उन साथी अन्याय का मतलब है उन्होंने समर्थन किया। और ये जो समर्थन कर रहे हैं ना, ये भीष्म पितामह और दुर्योधन और क्या नाम द्रोणाचार्य के रस्ते पे जा रहे हैं। इस बात को भारत को सोचना होगा, भारत की जनता को सोचना होगा, तो बहुत हालात खराब होंगे जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन भी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ आप सोचते हैं अग्निपथ योजना के बारे में, बताइए। मैम, ये योजना युवाओं के लिए एक धोखा है। इस बीजेपी सरकार ने युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और युवा इनको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। अभी 2024 में इलेक्शन है, तो इस बीजेपी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे हम। ये 4 साल का क्या मतलब है? 4 साल बाद कहाँ जाएंगे हम? चलिए देखिए, हमारा मकसद भी यही होता है कि सरकार तक आपकी बात पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर ओम प्रकाश भी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, अपनी राय रखिए। हेलो, आपका आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। चलिए, अपनी राय रखिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये अग्निपथ की योजना चालू नहीं हुई थी जी, उस टाइम लोगों में बड़ी मायूसी थी कि कब ये भर्ती खुलेगी। और जब भर्ती खोल दी है, तो जब इन्होंने अनाउंस किया था, युवाओं में बहुत खुशी लहर दौड़ गई। लेकिन जब उनको पता लगा 4 साल तक के लिए है ये, तो वो बिल्कुल मायूस हो गए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, इतना बड़ा धोखा, ये बेचारे 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे, इनके भविष्य का क्या होगा? चलिए, तो कम से कम इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो मत करो। मोदी जी, आप कम से कम और ध्यान दे के इन बच्चों की तरफ ख्याल करो। ये परिवार में बेचारे रात दिन मेहनत करके अपने शरीर को बनाते हैं, क्या देश की सेवा करेंगे ये 4 साल के लिए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार से, कहना ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, आपने भी बाकी से अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। सोनू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक कॉलर। सोनू, अपनी बात रखिए, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं अग्निपथ योजना के बारे में? क्या सोनू आप सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की। सुदेश भी हमारे साथ जुड़ गए, एक और कॉलर। सुदेश, अपनी राय रखिए, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? ये अग्निपथ योजना है ना सर, ये सरासर गलत है सर। 4 साल बाद बच्चे क्या करेंगे सर? ये मोदी क्या कर रहा है? सरकार को बोलो सर, मेरी आवाज पहुंचाओ आगे। क्या आपको आवाज आ रही है सुदेश? क्या हाँ मैडम जी, अनामिका जी आवाज आ रही है मेरे को। तो क्या आपको लगता है कि अग्निपथ योजना, उसको सरकार समझाने में विफल रही है? हाँ सर, कम से कम सर 15 साल 20 साल या 10 साल तो करो, 4 साल
चार साल के बाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश, हमारे साथ आप जुड़ी और अपनी राय आपने रखी। और देखिए अल्लाह बोले, हमारा मकसद यही होता है आपके जो भी विचार होते हैं वो हम सरकार तक पहुंचाएं, प्रशासन तक पहुंचाएं। और आप कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, तो बिना किसी देरी के फोन उठाएं और कॉल करें। तो सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनू अपनी राय रखिए, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? हाँ मैम, ये बहुत ही गलत योजना है और इसमें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बिल्कुल। इसमें जी अभी बच्चों को मान लो चार साल हो गए तैयारी करते हुए, और उसके बाद ये चार साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, उसके बाद उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाएगी, फिर वो तैयारी नहीं कर पाएंगे, ना ही दूसरी नौकरी कर पाएंगे मैम। तो ये बहुत ही गलत योजना है इनके भविष्य के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, आपने अपनी राय रखी। इसी के साथ एक और कॉलर अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं अग्निपथ योजना के बारे में? कितने साल तक की, 4 साल तक की करती है इसको? अमित क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क टूट गया है। फिर से आपको देखिए, हम जानकारी दे रहे हैं लगातार कि फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी है, कॉल आप लगातार करें और अपनी राय आप रखें, आप क्या कुछ अग्निपथ योजना के बारे में कहना चाहते हैं। हालांकि अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया जा रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अग्निपथ योजना ठीक है, और क्या आप सोचते हैं अग्निपथ योजना पर ये बवाल क्यों हो रहा है, क्या युवाओं को देश की सेवा का मौका इससे मिल सकता है, इस पर आप क्या कुछ रखना चाहते हैं अपनी राय। मुकेश भी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। मुकेश राय रखिए, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अग्निपथ योजना के बारे में? राम राम जी। राम राम जी, बोलिए। बच्चों के साथ बड़ा धोखा कर जिसने, बड़ा अन्याय राजा जी, बड़ा निकम्मा राजा है ये जी, बच्चों का नाश करके घेर दिया इसने जी, इस देश का नाश करा गया जी। बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जी इसने, बड़ा निकम्मा राजा जी है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, आपने अपनी बात रखी। क्या कुछ आप सोच रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर? तो सुरेंद्र भी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र अपनी राय रखिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? चलिए देखिए, लगातार आपको इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं। राम हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। राम क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, राय रखिए अपनी। बिल्कुल गलत है, 4 साल का है जो। क्या आपको लगता है कि हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि 4 साल के बाद जो भी युवा आते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी सरकारी नौकरी में? नहीं, और तो ठीक है, जब 4 साल के अंदर रह जाते हैं आप, और इसी प्रभाव में रहती है सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हल्ला बोल में आज का कार्यक्रम बेहद अहम है और अग्निपथ योजना के बारे में आज हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप कॉल करें और अपनी राय रखिए, क्या आप मानते हैं कि जो प्रदर्शन हो रहा है वो उचित है, क्या आप मानते हैं कि अग्निपथ योजना वो सही है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, सवाल हम आपको लगातार बता रहे हैं। अग्निपथ योजना पर आपके क्या है विचार, आप इस पर अपना विचार रख सकते हैं। योजना से सेना में भर्ती होने की आस जगेगी, क्योंकि जो युवा काफी लंबे समय से इंतजार करते हैं, क्या इससे, इसके माध्यम से उनकी जो एक आस है सेना में भर्ती होने की, क्या वो जगेगी? इसके साथ ही अग्निपथ योजना पर क्यों हो रहा है इतना बवाल, आप क्यों, क्या सोचते हैं इस बारे में? तो देवेंद्र भी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। देवेंद्र अपनी राय रखिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहता हूँ, पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1.5 साल से पेपर के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और एंड ऑफ द डे ये लोग कह रहे हैं कि 4 साल के बाद हम क्या कर लेंगे, गलत रास्ते पे चले जाएंगे। ऐसे तो हमारे बच्चे टीओडी में देखना तो चाहिए कि भाई आगे के लिए कुछ वो समझाए कि भाई चले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार देखिए लोग अपनी राय रख रहे हैं। अमित भी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। अमित क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, राय रखिए। मैं एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ, मैं आज से 2 साल पहले भर्ती हुई थी और उसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है,
ठीक है, उनमें मैं भी एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जिसका मैं फिजिकल और फिजिकल दोनों क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। वेट करते करते 6 लोगों ने सुसाइड कर लिया, कभी भी आज तक की सीढ़ी के ऊपर नींद नहीं आई, 6 लोगों ने सुसाइड कर लिया, एक की भी फोटो आज तक नहीं दिखाई, टीचिंग बच्चों ने सुसाइड किया एग्जाम का वेट करते करते। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए।